यह ब्रेकिंग खबर बिहार के समस्तीपुर शहर से है। बताया जा रहा है कि शहर के बीचों बीच पटेल मैदान के पास डीएसपी कार्यालय के पास से एक बाइक पर सवार होकर के तीन अपराधी खुलेआम पिस्टल लहराते हुए निकल रहे थे। इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन अपराधियों का पीछा किया। कुछ दूरी के बाद एक अपराधी बुलेट पर सवार होकर भागने में सफल रहे, जबकि दो अपराधी पुलिस के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है तथा इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस घटनाक्रम के संबंध में समस्तीपुर के नगर डीएसपी ने A2Z न्यूज लाइव को बताया। थाने से शेखर प्रसाद और सेक्टर मोबाइल के जवान थे, वे लोग उसका पीछा करते हुए उसको गिरफ्तार किए। उसके बाद तलाशी ले गए, उनके पास लोडेड पिस्टल कारतूस के साथ कई मोबाइल जब्त किए गए। इसमें से 2017 में इस पर एक निम्न प्राथमिकी दर्ज है। हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तो उस समय हमारे पास अधूरा नाम था, इसलिए हम उस तक नहीं पहुँचे थे। अब इसका पूरा इतिहास हम लोग को मिल गया, हम लोग उस केस में भी इसको रिमांड कर। इस वक्त बिहार के समस्तीपुर जिले से ही दूसरी ब्रेकिंग खबर आ रही है। यहाँ के उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बताया जाता है कि श्री राम जानकी मंदिर से श्री राम जानकी के अष्ट धातु की मूर्तियां चोरों ने बीती रात चोरी कर ली। सरयाम इस घटना को अंजाम दिए जाने के बाद लोगों में गहरी नाराजगी है। बताया जाता है कि मंदिर के पुजारी को आज सुबह में जगने पर इस बात की जानकारी लगी। जब वे पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो भगवान को नहीं पाकर वे अचरज में पड़ गए। घटना की सूचना गांव वालों को मिली तथा लगातार लोगों की भीड़ काफी संख्या में यहां जुट गई। घटना के संबंध में मंदिर के पुजारी ने A2Z न्यूज लाइव को बताया। रात में क्या बजे कौन कौन मूर्ति चोरी हुई? राम लक्ष्मण जी, राम सीता जी का। दो चोरी हुआ, दो बोलो। किस चीज का मूर्ति था? अष्ट धातु।